वेल कल्चर पीडिया नमस्कार दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज जो टॉपिक हम कवर अप करेंगे उसका नाम है फंगी या फंगस इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपसे फंगस के अलावा जो प्लांट पैथोजेंस डिज़ीज़ कॉज करते हैं उसके बारे में चर्चा की थी और हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था अबाउट बैक्टीरिया वायरस वायरॉइड्स फ्लाजिलेट्स प्रोटोजन पैरासाइट्स एक्सेट्रा तो आज उस कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस करता है वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इन इंडिया तो फंगस एक यू कैरियोट होता है यू कैरियोट क्या है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स के डिफ्रेंसेज मैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ में समझा चुकी हूँ आप कृपया वो वीडियो वहाँ पर देख लीजिए इसके साथ साथ फंगस स्पोर बियरिंग होती है यानी इसमें स्पोर्स बनते हैं ये एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होती है एक क्लोरोफिलस मतलब हुआ जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है देखिए दोस्तों क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसके होने या ना होने से उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस ऑर्गेनिज्म में वो है वो बदल जाता है अगर क्लोरोफिल किसी भी ऑर्गेनिज्म में है तो वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं यानी कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड जबकि ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं दे आर हिट्रोट्रोफिक इन नेचर देअर फोर फंगस अगर एक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है तो वो सैप्रोफिटिक मोड Uh, अपनाता है जिसमें वो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन लेता है और ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है सेक्शुअली और एसेक्सुअली इसके सोमैटिक स्ट्रक्चर्स को हम हाइफ़ी कहते हैं और इसकी सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट काइटिन और ग्लूकन्स होता है सेल्यूलोज नहीं होता है तो इस वजह से भी ये फंगस जो है ये एनिमल्स के ज़्यादा क्लोज पाई जाती है बजाय प्लांट्स के फंगस के अलावा दोस्तों एक और ग्रुप होता है फंगल लाइक -like ऑर्गेनिजम्स का जिसको हम ऑर्डर माइकोटा में पढ़ते हैं और फैमिली होती है उसकी उटीज और अंटिल नाइनटीन हम इनको लोअर फंगी कहते थे अब डिफरेंसेस क्या है फंगी और लोअर फंगी में तो मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो लोअर फंगी है उसमें जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है इट मेनली कंप्राइज ऑफ सेल्यूलोस एंड नॉट काइटिन आजकल की संदर्भ में ये जो ऊमाइसिटीज़ है इसको हम अलग किंगडम में पढ़ाई करते हैं इसकी और उस किंगडम का नाम है क्रोमिस्टा या फिर स्ट्रामो पाइला इस बात पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि जो लोअर फंगस है या ओ माइसिटीज़ है उसकी कोई भी एक प्रॉपर्टी बताती जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन से किंगडम के मेंबर्स हैं हैबिटेट uh, की अगर बात करें फंगस की तो बहुत सारी फंगल स्पीशीज़ uh, दुनिया भर में विश्व भर में पाई जाती हैं विच आर स्ट्रिक्टली स्ट्राप्टोफिटिक इन नेचर यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है उसमें से लगभग 50 स्पीशीज ऐसी हैं जो हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करती है और 50 स्पीशीज ऐसी हैं जो एनिमल्स में कॉज करती हैं लेकिन मोर देन 10,000 थाउजेंड स्पीशीज ऑफ फंगी दे आर नोन टू कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स तो अब आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स की डिजीज के संदर्भ में बात करें तो फंगस कितना इम्पोर्टेंट पोजिशन होल्ड करती है बहुत सारी फंगस ऐसी हैं जिनका पूरा का पूरा जीवन या लाइफ साइकिल कहें उसको किसी होस्ट प्लांट की ज़रूरत होती है सो आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स या फिर हम इनको बायो भी कहते हैं अगर आपको इस तरीके के टर्म्स एंड कंसेप्ट और डिटेल में जानने हैं तो मेरा एक वीडियो चेकआउट करिए मैंने पूरा वीडियो प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज में ही प्लेलिस्ट में ही एक अलग से वीडियो बना रखा है तो ये कौन सी फंगस हैं जिनको पूरे एंटायर लाइफ के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है वो है रस्ट स्मट पाउडरी मिल र्यू डाउनी मिल र्यू वहीं पर दूसरी तरफ वेंट्यूरिया इनक्विलिस की तरह भी फंगस होती हैं जिसको हम एप्पल स्कैब फंगस कहते हैं ये कुछ पार्ट अपना लाइफ साइकिल का एज पैरासाइट्स व्यतीत करते हैं और कुछ पार्ट दिसपेंड ऑन द डेड टिश्यूज ऑफ द सेम होस्ट ऑन द ग्राउंड एज सैप्रोफाइड्स तो इनको हम हेमी बायोट्रॉफ्स की क्लासीफिकेशन में क्लासीफाई कर देते हैं अब जब ये टर्म्स निकले हैं तो दो टर्म्स में और लेना चाहती हूँ पहला है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स देखिए जहाँ पे ऑब्लिगेट टर्म आया है ऑब्लिगेट मतलब होता है या तो वो उस परिस्थिति में रहेगा नहीं तो वो मर जाएगा तो अगर ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है कोई भी ऑर्गेनिज्म इट मींस वो पूरी लाइफ साइकिल में अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट के अलावा नहीं बदलता है वहीं पे अगर टर्म फैकल्टेटिव आ गया है फैकल्टेटिव मतलब हुआ कि अगर उसको वो कंडीशन मिल जाती है तो वो इस तरीके से भी जीवन व्यतीत कर सकता है तो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स जनरली पैरासाइट्स की तरह रहते हैं लेकिन अगर उनको आ, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो फैकल्टेटिवली सैप्रोफिटिक भी हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइट इन्फेस्टेंस वहीं पर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जनरली सैप्रोफाइट्स होते हैं पर अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो वो फैकल्टेटिवली पैरासाइट्स इन नेचर की तरह भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल्टनेरिया ऑल्टरनेटा अब हम फंगस की मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी आवरण उसका कैसा है वो दिखने में कैसी होती है उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी की देखिए दोस्तों फंगस थैलोफाइट्स के अंदर आती है और थैलोफाइट्स की एक खासियत होती है कि उनकी पूरी बॉडी दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन रूट स्टेम और लीफ तो एक पूरी बस बॉडी के नाम पे कुछ एक बैगनुमा कुछ होता है और उस बैग नुमा बॉडी को फंगस के संदर्भ में हम माइसीलियम कहते हैं अभी जो माइसीलियम है इसमें बहुत सारी इंडिविजुअल ब्रांचेस होती हैं हर ब्रांच को हम हाइफ़ा कहते हैं और अगर प्लूरल में उसका यूज़ करूँ तो उसको हम हाइफ़ी कहते हैं अभी जो हाइफ़ी है ये सेप्टेट भी हो सकता है या ए सेप्टेट भी हो सकता है सेप्टेट मतलब उसके बीच बीच में पर्दे होंगे तो वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना देंगे एक ही हाइफा में और ए मतलब के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है अब सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफ़ी में सीनोसिटिक हाइफी का भी वर्णन मिलता है सीनोसनसीशियम एक ऐसी फेज़ होती है जिसके अंदर एक ही सेल में बहुत सारी न्यूक्लिया स्कैटर्ड होती है यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गया है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है तो अब ये एसेप्टेट हाइफी जो होता है ये सिंसिटिक uh, हाइफ़ी भी कहलाता है अगर उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं वहीं पे अगर सेप्टेट हाइफी की मैं बात करूं तो उसके अंदर uh, बीच बीच में छोटे छोटे पार्टीशंस uh, होते हैं तो उसमें एक जगह से साइटोप्लाज्म को या फिर मटेरियल को पास होना पड़ता है उस पर्दे से अगर उसको दूसरे कंपार्टमेंट में जाना होता है तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये जो माइसीलियम है या हाइफ़ी है ये बहुत अलग अलग फॉर्म्स बना लेता है एग्रीगेट होकर के तो तीन तरीके के फॉर्म्स अभी मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ पहला होता है राइज़ोमॉर्फ देखिए इस टर्म को तोड़िए राइज़ो मतलब होता है रूट लाइक -like. जब ये जो फंग फंगल हाइफ़ी है ये थिकर रूट लाइक एग्रीगेट्स बनाता है तब हम इसको राइजोमॉर्फ कहते हैं जब फंगल uh, हाइफ़ी एक हार्ड राउंडिश स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें बाहर एक हार्ड रिंड होती है और अंदर सॉफ्ट इंटीरियर होता है जिसको मेड्यूला कहते हैं तब हम इस फंगल हाइफी को स्क्लेरोशियम कहते हैं और स्ट्रोमा हम तब कहते हैं जब ये मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज़ को कंटेन करती हैं राइजोमोर्फ और स्क्लेरोशिया ये फंगस को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में एक सीज़न से दूसरे सीजन में वहीं पे दोस्तों स्यूडो पैरनकाइमा हम फंगल एग्रीगेट को तब कहते हैं जब ये क्रॉस सेक्शन के अंदर पैरनकाइमेटिस सेल्स ऑफ हायर टिश्यूज को या प्लांट्स को रिजेंबल करते हैं वहीं पे अगर लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है हाइफी का जिसमें इलांगेटेड सेल्स हैं और ये पाया जाता है मेनली एस्कोमाइकोटा और बेसिडियो में तब हम इसको प्रोजन काइमा कहते हैं अब हम बात करेंगे डिटेल में फंगल सेल स्ट्रक्चर की तो एक टिपिकल फंगल सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है और उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके आउटर कवरिंग में सेल वॉल होती है विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन तो सेल वॉल हमेशा फंगस की काइटिन की बनी होगी या फिर बीटा ग्लूकन्स की बनी होगी काइटिन एक पॉलीमर होता है एसिटाइल ग्लूकोसामिन यूनिट्स का जो कि इंसेक्ट्स के एग्जोस्केलेटन में भी पाया जाता है वहीं पे किंगडम जिसमें पाइला माइकोटा ऑर्डर आता है या फिर जिसको हम लोअर फंगी भी कहते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है सेल्यूलोज एक पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का और सेल्यूलोज सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी में भी पाया जाता है न्यूक्लियस की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के द्वारा ये रिवील किया गया है कि माइटोसिस के दौरान जब फंगस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर नहीं होती है और बाकी जितनी खासियत होती है न्यूक्लियस की वो यूकैरियोट्स की तरह ही होती हैं लाइफ साइकिल अगर फंगस की बात करें तो मोस्टली ये हैप्लॉयड uh, ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेप्लॉयड मतलब होता है देर इज ओनली वन सेट ऑफ जीनोम देखिए जब भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन में नीचे जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी मेन पार्ट लाइफ साइकिल का हेप्लॉयड की तरह बीतता है और कुछ थोड़ा सा पार्ट होता है वो डिप्लॉयड की तरह होता है लेकिन अगर अब जैसे जैसे इवोल्यूशन्स में आगे बढ़ते जाते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स में तो मेन पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल डिप्लॉयड होता है और थोड़ा सा पार्ट हेप्लॉयड होता है तो फंगस का जो थालस है दैट मल्टीप्लाइज बाई ए सेक्शुअल मेथड्स अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है इसका टर्मिनेशन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस और हमें पता है कि मियोसिस में एक पेरेंट सेल से चार हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं तो यहाँ पे भी यही होता है कि जाइगोट जो कि टू एक्स है जब उसमें मियोसिस होगा तो चार सेल्स बनेंगी हेप्लॉइड इन नेचर अब ये जो स्पोर्स होते हैं जो हेप्लॉइड होते हैं जर्मिनेशन के बाद अपनी हेप्लॉइड सोमैटिक फेज में आ जाते हैं दोस्तों एस्कोमाइटा और बिसीडियोमाइकोटा में प्लाज्मोगी इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोगी इमीडिएटली तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लाज्मोगी मतलब साइटोप्लाजम की मिक्सिंग हो गई है तो एक ही सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसको हम डाई कहते हैं और ये एक कैरियोटिक फेज होता है या डाई कैरियोटिक हाइफी होती है इट इज ऑफ लिमिटेड ड्यूरेशन इन एस्कोमाइकोटा और बेसिडियो माइकोटा में ये जो फेज है ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में पाया जाता है तो so बेसिकली जो लाइफ साइकिल होती है जो फंगस में पाई जाती है डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ हेप्लॉइड डिप्लॉइड और डाई कैरियोटिक फेज़ ऑफ माइसीलियम वो ऐसे होती है कि ए सेक्शुअल साइकिल जो पाई जाएगी वो सारे एनामोर्फिक फंगी में यानि कि फंगी इम्परफेक्ट में पाई जाएगी हेप्लॉइड साइकिल म्यूकर में और राइजोपस में पाई जाएगी और हेप्लॉइड साइकिल विद रिस्ट्रिक्टेड डाई कैरियोफेज यूरोशियम और टेलरोमाइसिस इसकी खासियत होती है हैप्पलॉड डाई साइकिल अस्टिलागो मेडिस में पाई जाती है डाई साइकिल अस्टिलागो ट्रुटिकाई पक्सिनिया ग्रामिनस में पाई जाती है हैप्लॉइड और उसके बाद डिप्लॉइड साइकिल सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में पाई जाती है और डिप्लॉइड साइकिल पाइथियम फाइटॉफ्रा और एल्ब्यूगो में पाई जाती है फंगस तीन तरीके से रिप्रोड्यूस करता है दोस्तों पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दूसरा एसेक्शुअल और तीसरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों पहले बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला तरीका होता है हाइफी का फ्रेगमेंटेशन होना यानी कि हाइफी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है या टूट जाता है और फिर हर टुकड़ा एक नई फंगस बना देता है इसके अलावा कभी कभी थिन वॉल्ड स्पोर्स भी बनते हैं जिनको हम ऑइडिया या फिर आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं कभी कभी थिक वॉल्ड स्वोलन स्पोर्स बनते हैं विद स्टोरेज ऑफ रिच फूड इनको हम क्लमाइडो स्पोर्स कहते हैं और क्लमाइडो स्पोर्स ज़्यादातर एडवर्स एन्वायरमेंटल कंडीशंस को फेस करने के लिए बनते हैं अगर कभी बडिंग होती है तो उसमें एक छोटा सा सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द सेल वॉल बज कर जाता है जैसे अगर आप छोटे से टुकड़े को पिंच आउट कर देते हैं तो और उसके अंदर अगर एक डॉटर न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है तो जब ये बड पिंच आउट होएगा कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन के थ्रू एट द पॉइंट ऑफ इट्स ऑरिजिन तब ये एक नई फंगस बना देता है कभी कभी बर्डिंग इतनी क्विक होती है कि अ चेन ऑफ बर्ड्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू नॉन डिटैचमेंट ऑफ द डॉटर बर्ड्स तब इसको हम स्यूडो कहते हैं दोस्तों कभी कभी फिशन भी देखा गया है हालांकि फिशन जो प्रॉपर्टी है वो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है लेकिन कभी कभी फंगस uh, में भी देखा जाता है स्पेशली इन यीस्ट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इट अकर्स थ्रू इंटरनली और एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स विच ऑल्सो एक्ट एज एजेंट्स ऑफ डिस्मिनेशन अगर मैं अः ऊ माइकोटा की बात करती हूँ जिसको हम किंगडम स्ट्रमाइनो में पढ़ते हैं और कुछ फंगस ऐसी हैं जैसे कि जाइगो माइकोटा ऑर्डर की उसमें ए सेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं एंडोजिनसली एंडोजिनस मतलब होता है अंदर से यानी बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं और उसके अंदर ए सेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं अब ये जो ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं ये या तो स्पोरेंजियल वॉल के रप्चर से या फिर उसमें बनी हुई किसी ओपनिंग या पोर के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं ये जितने भी स्पोर्स हैं या तो ये मोटाइल होंगे मोटाइल मतलब ये गतिशील होंगे और इसमें एक या दो फ्लाजिला होंगी तब हम इसको ज़ू स्पोर्स कहते हैं और अगर ये नॉन मोटाइल होते हैं तो हम इनको ए प्लानो स्पोर्स कहते हैं स्पोरानजिया जो है वो स्पेशलाइज्ड हाइफल ब्रांचेस पे बनते हैं जिनको हम स्पोरजियोफोर्स कहते हैं Uh, दोस्तों कोनीडिया भी एक अलग तरीके का ए सेक्शुअल स्पोर होता है विच इज कट ऑफ टर्मिनली और लेटरली फ्रॉम स्पेशलाइज्ड हाइफल ब्रांचेस कॉल्ड कोनीडियो फोर्स अभी जो कोनीडियो फोर्स होते हैं दे में भी ब्रांच और दे में uh, भी अनब्रांच्ड अगर ब्रांच हैं तो अलग अलग तरीके से ब्रांचिंग होगी बोथ मोनोपोडियली या फिर सिमपोडियली और कोनिडिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं या तो सिंगली यानी कि एक कनीडियो फोर पे एक बनेगा या फिर सीरियली भी बन सकते हैं ये चेन्स ऑन दीज ब्रांचेज क्नीडियो फोर्स मोस्ट ऑफ द फंगस में अलग रहते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन कुछ में देखा गया है कि ये एग्रीगेटेड फॉर्म में भी रहते हैं तब हम इनको कोरेमिया या सिनेमा या फिर स्पोरोडोकिया या एसरवली या पिकनीडिया भी कहते हैं आ, ये जो लोकोमोटरी अपेंडिजेस होते हैं या फ्लाजिला होते हैं जू स्पोर्स में ये दो तरीके के पाए गए हैं पहला होता है विप्लैश और दूसरा होता है पिनसिल फॉर्म अब ये जो विप्लश फ्लाजिला होता है इट इज़ मच थिनर एट द टिप और जो टेंसिल टाइप फ्लाजिला होता है ये ज्यादातर लोअर फंगस में पाया जाता है जिसको हम स्ट्रेमाइनोपाइला किंगडम में पढ़ाई करते हैं जिसकी Uh, अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाजुला की बात करें तो एक टिपिकल uh, फंगी का जो फ्लाजुलम होता है वो नाइन प्लस टू स्ट्रक्चर लिए हुए होता है जैसे कि सारे यूकैरियोट्स में होता है और नाइन प्लस टू स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फ्लाजुलम है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइन पेरीफेवरल पेयर्स ऑफ फाइब्रिल्स यानी कि बाहर की तरफ नौ परिधि पर नौ पेयर्स होते हैं फाइब्रल्स के सराउंडिंग द टू सेंट्रल फाइब्रल्स यानी अंदर की तरफ दो सेंट्रल फाइब्रल्स होंगे और बाहर उसके चारों तरफ गोल घेरे में नौ पेरिफेरल पेयर ऑफ फाइब्रल्स होंगे इसीलिए इसका नामकरण नाइन प्लस टू अरेंजमेंट किया गया है आ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है सराउंडिंग द नाइन प्लस टू फाइब्रल इट इज कंटिन्यूअस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल लेकिन कभी कभी थ्रेड लाइक राइजोप्लास्ट कनेक्ट करता है को टू द न्यूक्लियस और ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला की अगर बात करें जो कि प्रो कैरियोटिक फ्लाजुला होती है उसमें ये नाइन प्लस टू स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम दो फ्लैजिला आपको दें एक फंगस की है और एक बैक्टीरिया की है तो आप किस तरह से उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका जवाब है कि आप उसमें नाइन प्लस टू स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि यू कैरियोड्स की खासियत है और ये नाइन प्लस टू स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में यानी प्रो कैरियोड्स में एबसेंट होता है अब बात करते हैं दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो एक के बाद एक फेज आते हैं पहला होता है प्लाज्मोगी प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म गैमी मतलब शादी या फ्यूजन तो अगर फ्यूजन हो रहा है दो सेक्सुअल सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का तब हम उसको प्लाज्मोगी कहते हैं वहीं पे अगर फ्यूजन हो रहा है दो न्यूक्लिया का तब हम उसको कैरियोगी कहते हैं तो प्लाज्मोगी और कैरियोगी ये दो फेजेस आते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ फंगस में लेकिन फंगस जो प्लाज्मोगी है उसको चार अलग अलग मेथड से अचीव कर सकता है यानी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन चार अलग अलग तरीकों से पाया गया है फंगस के अंदर पहला है तो गैमिटोगी दूसरा है गैमिटानजियोगी तीसरा है स्पर्मेटाइजेशन और चौथा है सोमैटोगी तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्यामिटोगी इट इज़ द फ्यूजन और कॉपुलेशन बिटवीन गैमिट्स ग्यामिट्स क्या होते हैं ये नेकेड वॉल लेस सेल्स होते हैं जो कि कॉपोलेट करते हैं जिससे कि जाइगोट बन जाता है अगर ये गैमिट्स सिमिलर इन साइज होते हैं तो हम इसको आइसोगीट्स कहते हैं और इनके कॉपुलेशन को आइसोगी कहते हैं वहीं पर अगर ये दोनों गैमिट्स डिसिमिलर होते हैं तो हम इनको एन आइसोगी कहते हैं एन आइसोगी की ही एक और क्लासिफिकेशन है अगर एन आइसोगी में आ, मेल गैमिट जो है वो मोटाइल है और फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल है जैसे कि एग या उस तब हम इसको हिटरोगामी भी कहते हैं दूसरा मेथड प्लाज्मोगी का है दोस्तों गैमिटानजियोगी सो इट इज द फ्यूजन बिटवीन गैमिटांजिया या फिर सेक्स ऑर्गन देखिए पहले वाले मेथड में डायरेक्ट गैमिट्स फ्यूज़ कर रहे थे यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स फ्यूज कर रहे हैं तो अगर गैमिटांजिया आर सिमिलर इन शेप एंड साइज दे आर कॉल्ड आइसोगिटानजिया और अलग अलग इनको डेजिग्नेट किया जाता है प्लस एंड माइनस रादर दैन मेल एंड फीमेल और अगर गैमिटांजिया डिफरेंट है शेप और साइज में तब हम इनको हिटरो कहते हैं जो मेल होता है वो यूजुअली स्मॉलर होता है क्लब शेप्ड होता है जबकि फीमेल जो गैमेटांजिया है वो बिगर होता है और ग्लोब्युलर होता है जब फ्यूजन होता है दो सिमिलर गैमेटांजिया का जो कि रिजल्ट करता है जाइगोट में तब हम इसको जाइगोट ना कहकर जाइगोस्पोर्स कहते हैं जो जाइगोट है दैट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमिटैजिया विच इज़ उपोर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऊ गैमी अगर प्लाज्मोगी होती है बिटवीन गैमिटेंजिया तो हम इसको गैमिटांजियल कॉपुलेशन या फिर गैमिटानजियल कॉन्टैक्ट भी कहते हैं अब ये जो गैमिटांजियल कॉपुलेशन है ये भी दो तरीके का होता है अगर एंटायर गैमिटांजिया फ्यूज करता है Uh, जैसे कि म्यूकर में uh, तो वो एक अलग कैटेगरी होती है uh, और दूसरे केस में जो कंटेंट्स होते हैं मेल गैमिटांजिया की वो माइग्रेट कर जाते हैं फीमेल गैमिटांजिया में थ्रू uh, पोर और फर्टिलाइजेशन ट्यूब और जो मेल गैमिटांजिया है वो फिर uh, खाली हो जाता है फॉर एग्जांपल इन राइजोफाइडियम और uh, गैमिटांजियल कॉन्टैक्ट में मेल न्यूक्लियाएँ uh, सिर्फ uh, माइग्रेट uh, करेगा नॉट द उ गोनियम के अंदर थ्रू अ पोर विच इज डिजोल्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब और यह स्थिति पाई जाती है पाइथियम फाइटोफ्थोरा और एल्ब्यूगो में <coughs> तीसरा मेथड प्लाज्मोगी का है दोस्तों स्पर्मेटाइजेशन ये स्पेशली एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा में होता है स्पर्मेशिया जिसका सिंगुलर होता है स्पर्मेशियम ये माइन्यूट मेल गैमिट्स होते हैं जैसे कि कोनीडियम पाए जाते हैं स्पर्मेशियोफोर्स पे ये जो स्पर्मेशियोफोर्स हैं दे में भी एक्जोजीनस और दे मे बी प्रेजेंट इन साइड स्पर्मोगोनियम जैसे कि पकनिया में पाया जाता है ये जो स्पर्मेशियम है जब कॉन्टैक्ट में आते हैं फीमेल गैमिटेंजियम के या फिर किसी भी रिसेप्टिव हाइफी के तब ये रिलीज कर देते हैं मेल न्यूक्लियस को इनटू द फीमेल गैमिटैजियम थ्रू अ पोर चौथा तरीका होता है दोस्तों सोमैटोगी uh, इस मेथड में सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं और सोमैटिक सेल्स ही दे एक्ट एज गैमिटेजिया एंड दे फ्यूज टुगेदर फॉर एग्जांपल इन एगेरिकस तो सोमैटोगी इट में आकर बिटवीन द सेल्स ऑफ द सेम हाइफी तब हम इसको होमोथैलिक फंगस कहते हैं या फिर अलग अलग सेल्स uh, uh, में भी हो सकता है जो डिफरेंट थैलाई पे पाए जाते हैं तब हम इसको हिटरोलिक फंगस भी कहते हैं तो एनास्टोमोसिस uh, पा, पाया जाता है विच इज द फ्यूजन ऑफ हाइफी इट इज फ्रीक्वेंट इन एस्कोमाइकोटा एंड बिडियो तो ये तो बात हुई दोस्तों तीसरा मेथड uh, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना और जो चौथा मेथड है रिप्रोडक्शन का दैट इज पैरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे भी वर्ड पैरा आ जाता है दैट मीनस एब नॉर्मल तो जो फंगी इम परफेक्ट आए है जिसको हम एनामोर्फिक फंगी भी कहते हैं इट लैक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स कैरियोगी एंड म्योसिस लेकिन इन सब में भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो कहीं ना कहीं अचीव किया जाता है बट दैट इज थ्रू पैरा सेक्शुअल मेथड तो इसके अंदर जो पैरा सेक्शुअल मेथड है उसमें हैप्लॉयडेशन हो जाता है थ्रू एबरेंट माइटोसिस यानि एब नॉर्मल माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइडेशन हो जाएगा और जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है और ये पहली बार डिस्कवर किया गया था Uh, और रोपर के द्वारा 1952 में इन तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही इस वीडियो में हमने फंगस के बारे में मॉर्फोलॉजी के बारे में उसकी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में जाना दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे अगले नोटिफिकेशंस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें धन्यवाद